दोस्तों आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, में धर्मेंद्र प्रताप सिंह रिवाजपुर गांव में है और यहां पर बन रहे कूड़ा घर का जोरदार विरोध हो रहा है। तमाम महिलाएं हैं, विरोध कर रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लाड़ो देवी है। कहाँ रहती हैं आप? जी मैं गांव भुपानी खानपुर पट्टी से रहती हूँ। क्या विरोध है आपका? ये विरोध ये जी कि यहाँ पर कृष्ण पाल जी ने बगैर मैसेज दिए, लोगों को बगैर बताए यहाँ पर कूड़ा डंप करने के लिए बड़ा घर बना रहे हैं। कृष्ण पाल जी ने या MCF ने? नहीं जी, हमारे यहाँ का नेता सांसद कृष्ण पाल हम उसी को जानते हैं, और जब वो वोट मांगने आता है हमने उसे बनाया, तो हम सिर्फ अपनी मांग यहीं से स्टार्ट करेंगे। छोटी लड़ाई यहीं से शुरुआत होती है, जब बड़ी जगह पे पहुंचती है। आपकी नाराजगी MCF से है या कृष्ण पाल जी? नाराजगी है तो सभी से, लेकिन जब तक हमारा मंत्री हमारे साथ नहीं होगा तो पहली नाराजगी हमें अपने मंत्री से। वो जी के पास गए थे आप? जी हम उसके पास गए, रोज जाते, वो इग्नोर करता, ना हमसे मिलता ना हमसे बात करता है, और बिल्कुल भी उसने हाथ खड़े कर दिए कि ये कूड़ा और मैं बना के छोड़ूंगा, रोको कौन रोकता है। ऐसा बोला उन्होंने? बिल्कुल बोला। आपके सामने? सबके सामने, महा पंचायत के सामने बोला उन्होंने। तभी से हमें एक ही आक्रोश आया कि अगर ये बात वो दोबारा के बोल दे तो ये वादा हमारा अपने आप से कि हम नहर पार किसी को भी आज के बाद वोट नहीं देंगे और कोई भी अपने पैरों पे साबुत नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में है, यहाँ पर इतने कैंसर की बीमारियां फैलेंगी और हमारे बच्चे अपंग पैदा होंगे जो कि बिल्कुल 100-100 गज की दूरी पे यहाँ पे गांव बसे हुए हैं। ये चीज ऐसी है जहाँ पर कोसों दूर तक भी आबादी नहीं हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस इलाके में सबसे ज्यादा डी कोल्ड एरिया, यहाँ पर एजुकेशन एरिया, विद्या संस्कार है, वसुंधरा है, बड़े बड़े स्कूल है, लिंग्यास है, छोटे छोटे स्कूल लोगों ने बनाए, अमृता हॉस्पिटल है, इससे 100-100 मीटर की दूरी पे ये कूड़ा डंप बना जा रहा है, सही है? आप बताइए। इसलिए आज हम ये नारी शक्ति इसलिए एकत्रित हुई है रोजाना कि ये कूड़ादान यहाँ पर ना बनाया जाए। हमारी पहले सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो नहीं मानती है, तो हम पे जैसे भी दांड दंड भेद जैसे भी हम पे लड़ा जाएगा, हम लड़ने के तैयार है, मरना पड़े। पुलिस आती है तो अगर वो हमारा साथ देती है शांति पूर्वक रहने में तो ठीक है, अगर बात बिगड़ी तो मरेंगे मारेंगे, लाठी चार्ज होगा, लाठी मारेंगे भी और सहेंगे भी। डर नहीं लगेगा पुलिस से? जी डर नहीं लगता पुलिस? डर अरे सर, पुलिस भी तो हम में से निकली हुई है, पुलिस भी तो हमारे पैसों पर ही है, सरकार सारी हमारे बलबूते पर है। क्या पुलिस, क्या वो हमारे बेटे नहीं है, वो हमारे भाई नहीं है, क्या नहीं है? हम पुलिस से नहीं डरते। क्या पुलिस, वो हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि वो हमारा दुश्मन है। कोई भी अधिकारी या कोई भी उसका मिस पावर यूज नहीं कर सकते। धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा मरते दम तक, जब तक ये यहाँ से उठा करके अपना भाड़ा नहीं ले जाते। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो अभी कह रही हूँ कि सारी नारियाँ मिलकर के, सारी बहनें सबसे पहले ये जो ग्रीन ग्रीन डब्बे रख रखे इन पे तोड़ फोड़ करें। ये किसके हैं? ये कृष्ण पाल ने ही यहाँ पे रखवाए, क्योंकि जब तक जनता को पता नहीं था, आप देख सकते हैं। इसका कोई सबूत भी है कृष्ण पाल जी के हैं? सर एक बात बताइए, जब यहाँ पर नपत की जा रही है, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, सारा काम करे, उन्होंने अपने यहाँ पे डेरा रख दिया है, जंगल का एरिया भी लोगों ने फसल अपने घरों में ली है, आराम कर रहे हैं, उन्होंने चोरी से रख दिए। अगर उनको ये काम करना था तो पहले गांव में मुआदी लगवाते, छोटे बड़े लोगों को इकट्ठा करते, तब अपनी राय रखता कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप लोगों से मैं बनाऊं, वोट मांगता हूँ, आप बताइए मैं यहाँ पे क्या करूँ। चोरी चोरी थोड़ी होता है काम। लो ये कूड़ा घर हट जाता है यहाँ से, तब तो कृष्ण पाल जी से कोई नाराजगी नहीं रही। देखिए फिर तो एक बात बताइए, माँ बेटे से नाराज नहीं होती तो हम अपने वोट देंगे? हम वोट देंगे, अपना बनाएंगे वहाँ जो हमारे कूड़ा घर हट जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी जितने भी लोग अपने अपने राजनीति से अड़े जो हमारे साथ है, अपना रखेंगे, लेकिन कूड़ा घर हटना चाहिए, कूड़ा घर हटना चाहिए। और ये हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कह रहे हैं। अरे हमारा क्या, हमें तो मर जाएंगे, अरे शहीद होके मरेंगे, नाम तो होगा। आज महात्मा गांधी का कहाँ नाम है बताइए, नोटों पे छप रहा है, नाम तो भगत सिंह का ही है। इंकलाब फिर भी बनाएंगे, वहाँ जो कूड़ा घर हटा देगा, कूड़ा घर हटा देगा, फिर भी वहाँ बनाएंगे, अपना ही रखेंगे, अपना ही रखेंगे, बंद कर देंगे। कह रहे हैं अगर यहाँ से कूड़ा घर हट गया तो फिर से वोट मिलेगा, अगर कूड़ा घर बना तो वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मिले जुले रिएक्शन है, कृष्ण पाल और खट्टर तो हम वाके, और जो हमारा वोट हमारे साथ नहीं देंगे दोनों तो हम नहीं है। चलो ठीक है, देखिए नाराज हैं ये लोग, नाराज हैं फरीदाबाद प्रशासन से नाराज हैं, MCF से नाराज हैं, और मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से भी ये लोग नाराज हैं। आगे देखते हैं कूड़ा घर यहाँ पर बनता है या हटता है, जो भी होगा आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इनका एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।